Hello everyone, welcome to Mahindra Group. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर क्लास में। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई सुबह के साथ। आज की बात करते तो आज डेट है 21 फरवरी। कल सभी का वैसे तो सभी लोगों को इंतजार है, मुझको भी इंतजार है, क्योंकि कल है 22 फरवरी और कुछ बहुत बेहतरीन आपके लिए होने जा रहा है। स्पीड टेस्ट नहीं है, पहली बात समझ लीजिए, स्पीड टेस्ट कार्ड नहीं है। इसके अलावा कुछ बेहतरीन रहेगा। जितने भी स्टूडेंट नए हैं जिनको नहीं पता, तो एक बात समझ लीजिए, कल हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर मेरे को गायब कर पाए तो बहुत बेहतर रहेगा। 22 फरवरी की कल बात की जाएगी और सुबह 11 बजे मैं आपके साथ जुड़ूंगा। और मैं चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट अभी इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां तक शेयर करिए, क्योंकि कल आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन होने जा रहा। इसके अलावा बढ़ते आगे देखते हैं, यहाँ पर रीजनिंग गुरु भी आपके लिए क्लास लेकर आए हैं जो कि आज दोपहर में 3 बजे होगी। ब्लड रिलेशन के सवाल है पजल फॉर्म में, क्या बात है, शानदार। ब्लड रिलेशन भी यहाँ पर, ठीक है, खून के संबंधों को वो दिखाएंगे किस किस के साथ है और बड़ी पजल फॉर्म में दिखाएंगे, सवाल ही सवाल, तारीख पे तारीख सुना होगा आपने, यहाँ पर सवाल ही सवाल डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट जिनको ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, एक बार सर का सेशन देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं चंद सवालों के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एमसीक्यूज जो कि कल की न्यूज पर बेस्ड रहे हैं। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। इस सेशन की बात करते हैं, सेशन में स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे जो कल का सेशन रहा था या कल जो हमने न्यूज डिस्कस की थी उन पर बेस्ड चंद सवाल, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, देन फिर मूव करेंगे आज के सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। पहला सवाल है, टेक्निकल टीम स्क्रीन को जूम ही रखेगा, ए के शर्मा साहब की बात करते हैं, इनको डायरेक्टर बना दिया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। ये तो सभी के क्लियर है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो डायरेक्टर बने हैं ए के शर्मा है। मैंने यहां पर सवाल पूछा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है। कल मैंने 3 चीजें आपकी इसके साथ डिस्कस की थी। सर क्या क्या डिस्कस किए थे एक बार फिर से बताइए। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके चेयरमैन की बात करते हैं, संजीव सिंह साहब की बात करेंगे, ही इज अ चेयरमैन। एंड इसके अलावा एक फैक्ट डिस्कस किया था कि इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। तो 3 फैक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो बना वो यहां पर हेडक्वार्टर बनता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर, आपको आंसर टिक करके आना मेरे दोस्त, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस इंस्टीट्यूट ने सार्क स्टूडेंट के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये मैंने कल डिटेल में डिस्कस किया था। आंसर पहले डिस्कस कर लेते हैं, आईआईटी खड़गपुर की बात करते हैं, इन्होंने सार्क छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना कि आईआईटी खड़गपुर हैज लॉन्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर दी सार्क स्टूडेंट। सर सार्क के बारे में एग्जामिनेशन में आ सकता है, एक बार आप अगर रिपीट कर पाए तो बहुत बेहतर रहेगा मेरे दोस्त। आप लोगों की बात मैं बिल्कुल मानूंगा और यहां पर याद रखना 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सर ये तो रटा हुआ है 1985। इसके अलावा हेडक्वार्टर की बात करें, सर ये काठमांडू नेपाल है, नेपाल की कैपिटल की बात करेंगे वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ये पाकिस्तान से आते हैं, इनका नाम है अमजद हुसैन बी सियाल, ये पाकिस्तान से हैं और ये सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के। मेंबर कंट्रीज की बात करें, 8 देश इसके सदस्य हैं। इतने फैक्ट्स में इंपॉर्टेंट बनता है हेडक्वार्टर, इंपॉर्टेंट बनता है इसका फाउंडेशन ईयर। फाउंडेशन ईयर तो एन नंबर्स टाइम में यहां पर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस इंडियन कंपनी ने कहा है कि वो 3 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगी, खरीदेगी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो यहां पर अगेन आंसर बनता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अगले वित्त वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका से 3 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात करेगी। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अगले वित्त वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका से 3 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात करेगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, यह एग्जाम का डेफिनेटली सवाल बनने जा रहा है, क्योंकि ये पहला है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं विश्व का पहला है, देश का पहला और राज्य का पहला वो तो इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये वर्ल्ड का पहला तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बनता है। किसने वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में विश्व के पहले डीजल से इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड लोकोमोटिव, ये इंजन की बात हो रही है, विश्व के पहले डीजल से इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। तो मेरा आंसर यहां पर बनता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी साहब की। नरेंद्र मोदी जी ने पहले, विश्व के पहले डीजल से इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। इसे मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अगला सवाल सुनना, इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल की बात करें तो इसे कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, आंसर बनता है राजस्थान के जैसलमेर में।
अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक मरुभूमि महोत्सव की बात करें तो ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है? राजस्थान के जैसलमेर में। अब मैं बात करता हूं मेरे आगरा की, तो आगरा में याद रखना बियर फेस्टिवल रहा था सर, भालू महोत्सव। इसके अलावा कैमल फेस्टिवल की मैं बात करता हूं तो मेरे दोस्त याद रखना है आपको, ये राजस्थान के बीकानेर में रहा था आपका कैमल फेस्टिवल। और इसके अलावा आउल फेस्टिवल की बात करते हैं, उल्लू महोत्सव की, तो वो याद रखना है ये महाराष्ट्र के पुणे में रहा था आउल फेस्टिवल। तो जितने भी फेस्टिवल है उन्हें देखिए। इसके अलावा एक मैं फिर बात बता दूं, 326 एमसीक्यूज की मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूं। मैंने एक और पीडीएफ लगवाई है दोस्तों, उस पर आपको महिंद्र गुरु की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसमें कि लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स हैं, ये दो लिस्ट, दो चीजें मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। इसके अलावा पद्म भूषण अवार्ड की और बजट की पीडीएफ, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। आज मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इन सभी लिंक को पिन करने की, और आपकी कोशिश क्या करूंगा, करवा दूंगा। आपको करना क्या, यहां से डाउनलोड करना है और इस 326 वाले का प्रिंट निकालिए। इस 326 वाले का 22 पेजेस में है, प्रिंट निकालिए और इस प्रिंट निकालकर इन 326 एमसीक्यूज को रट डालिए और यहां से इंटरलिंक करिए। यहां पर मैंने बहुत सारे फेस्टिवल डिस्कस किए, काइट फेस्टिवल यहां डिस्कस किया, ऑरेंज फेस्टिवल मैंने डिस्कस किया था, ऑरेंज फेस्टिवल आपका नागपुर में हुआ है, तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी यार, जनवरी वाले जब कभी भी कोई फेस्टिवल आएगा तो जनवरी वाले फेस्टिवल भी आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगे और फरवरी वाले तो कर ही रहे हैं। तो कोशिश करिए एक दूसरे को इंटरलिंक करने की बेहतरीन तरीके से। आंसर यहां पर अपना बनता है 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक मरुभूमि महोत्सव का राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। नेक्स्ट, मनोज यादव की बात करते हैं, इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया, बट सवाल यहां पर यह है किस स्टेट के ये डीजीपी बने हैं? मेरा आंसर यहां पर बनेगा हरियाणा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या रहा सर? मनोहर लाल खट्टर। अब देखिए यहां पर मेरे को न्यूज चलिए नहीं याद है, बट आपने 326 एमसीक्यूज वाली पीडीएफ अगर देख रखी, जिसको मैंने क्वेश्चन बैंक नाम दिया है, आप अगर जाएंगे तो महिंद्रा गुरु की वेबसाइट पर आप देखेंगे ऊपर टैब बनी हुई है, टैब में करंट अफेयर की टैब बनी हुई है, करंट अफेयर में जाएंगे तो वहां पर आपको न्यू करके आ रहा होगा एक, जैसे ही समझना महिंद्रा गुरु की वेबसाइट पे गए, करंट अफेयर में गए, वहां पर न्यू करके आ रहा होगा। अब न्यू जिस पे मार के समझिए वो क्वेश्चन बैंक है वहां पर, ठीक है, उस क्वेश्चन बैंक को वहां से डाउनलोड भी कर सकते, ये भी एक ऑप्शन है, और वहां से डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके रिकॉल होने लग जाएंगी। चीफ मिनिस्टर का नाम मनोहर लाल खट्टर है। गवर्नर की बात करते, गवर्नर यहां के सत्यदेव नारायण आर्य हैं। एक बात याद रखना, छिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी यहीं पर है। और इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये अक्सर बच्चों के कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं हमेशा मेंशन करता हूं, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हु हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट फुल डॉम 3D डिजिटल थिएटर एट साइंस सिटी कोलकाता। भाई कोलकाता में एक साइंस सिटी है, वहां पर कह सकते हैं फुल डॉम 3D डिजिटल थिएटर का इनॉग्रेशन किया गया, जो कि भारत का पहला है। यहां पर कह सकते हैं मूवीज वगैरह दिखाएंगी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। सवाल मेरा यहां पर यह है कि ये किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सर आंसर की यहां पर बात करें तो हम तो यहां पर सर महेश शर्मा टिक करेंगे। ओके चलिए महेश शर्मा की बात करते हैं, मेरे को एक और चीज बता दीजिए, महेश शर्मा के पास मिनिस्ट्री कौन सी? आंसर तो मैंने मान लिया मेरे दोस्त, मैंने आंसर तो यहां पर मान लिया, महेश शर्मा यहां पर बिल्कुल आंसर बनता है, गौतम बुद्ध नगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसके अलावा यह कल्चर मिनिस्टर हैं, ये संस्कृति मंत्री हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। ये छोटे छोटे सवाल अक्सर देखने को मिल जाते हैं। अरुण जेटली साहब की बात करें तो इनको याद रखना है, यह भैया अपने वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर हैं, और ये राज्यसभा MP हैं, गुजरात से नहीं सर, गुजरात से नहीं, यह उत्तर प्रदेश से हैं, इस बात को भी याद रखना। फिर दोबारा से इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। MC मैरीकॉम की बात करें, इन्हें पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब ये तो नहीं पूमा का पूछेगा, पूमा का हेडक्वार्टर कहां पर है, कौन इसके हेड है, क्या कैसे, इतना नहीं पूछेगा, वो सिर्फ इतना पूछेगा MC मैरीकॉम इंपॉर्टेंट हो गई, MC मैरीकॉम किस स्टेट से है, हर किसी को इनके बारे में पता है, अक्सर ये वाला फैक्ट स्किप हो जाता है। तो मेरा आंसर यहां पर बनता है, यह मणिपुर राज्य से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, मणिपुर राज्य से है MC मैरीकॉम, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पूमा का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात की है, या यूं कहें बिल्कुल बना दिया। जैसे अभी हम मध्य प्रदेश का नाम लेते हैं तो उसने क्या बनाया सर, स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट बनाया, आध्यात्मिक विभाग बनाया। इसके अलावा सर इसी स्टेट की बात करें मध्य प्रदेश की, तो इन्होंने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट भी बनाया, ये फर्स्ट स्टेट था, इसके बाद आंध्र प्रदेश सर सेकंड स्टेट बन गया आपका हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाने वाला। अभी मध्य प्रदेश की बात करें, देखो मध्य प्रदेश मैंने क्यों लिंक किया, क्योंकि जब कभी भी कोई बोर्ड हुआ, जैसे कि कोई स्पेशल बनाया जा रहा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो इंपॉर्टेंट। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश ने गऊ कल्याण सेस लगाया, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि आपका उड़ीसा सरकार की बात करें, उसने कालिया स्कीम लॉन्च की, बहुत बेहतरीन स्कीम
स्कीम लॉन्च की, कालिया स्कीम, ठीक है, इसको लॉन्च किया तो ये बहुत फेमस हो गई, तो ये आपको याद रखना है उड़ीसा राज्य की है। तो जिन जिन स्टेट के द्वारा कुछ यूनिक किया जा रहा है, जैसे ये ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो अपना आंसर यहां पर बनेगा गुजरात। गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल सभी को पता है भैया, यहां की कैपिटल है आपकी गांधीनगर। इसके अलावा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, टोटल यहां पर डिस्ट्रिक्ट तो छोड़िए वो नहीं इतने इंपॉर्टेंट मार्क करना, मैं यहां पर आपको याद रखना है चीफ मिनिस्टर का नाम है ओपी कोहली, ओम प्रकाश कोहली की बात करेंगे, ये गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। विजय रूपानी साहब की बात करते हैं, ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दी गुजरात। इतने फैक्ट तो मुझे लगता है नॉर्मल कॉमन होंगे। लोकसभा सीट की बात करें तो वो टोटल मिलाकर यहाँ पर 26 हैं और राज्यसभा सीट आपकी 11 है। ये एग्जाम में अक्सर सवाल देखने को मिल जाता है कि टोटल लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, और यहाँ पर विधानसभा की सीट या लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट कितनी, तो वो आपको याद रखनी है 182। चुनाव आने वाले हैं तो मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा कि टोटल मिलाकर लोकसभा सीट 26 रही, राज्यसभा सीट 11 रही, और विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो आपकी 182 है कहाँ पर, गुजरात में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, किस कंट्री ने हाल ही में एक कमिटी बनाई है कंट्री का जो मिलिट्री ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है उसे रिव्यू करने के लिए, उसे रिफॉर्म करने के लिए। किस देश ने देश के सैन्य मसौदा संविधान में सुधार पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, यहां पर जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। ओके, यहां पर बात करते हैं तो भैया राहुल, अजीत, तेजेंद्र, उषा, राहुल कुमार, मनीष, बहुत शानदार बेटा, सभी लोग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश करिए जितने भी भैया फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो इसे वहां देखिए, बॉटम में आपको एक शेयर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वहां से आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि भैया जितना शेयर करें उतना बेहतरीन रहेगा यहाँ पर। ओके सर, आंसर की बात करें, यहाँ पर हम आंसर टिक करेंगे म्यांमार। ओके, मैंने आपकी बात मान ली, म्यांमार यहाँ पर आंसर बनता है। नाय पी दो, इट इज अ कैपिटल, थोड़ी टिपिकल लगती है पढ़ने में। और करेंसी की बात करें, यहाँ पर करेंसी क्या चलती, इतना तो मुझे लगता है सभी के क्लियर होगा। प्रेसिडेंट का नाम भी याद रख सकते हैं, विन मिंत साहब की बात करते, ही इज अ प्रेजिडेंट ऑफ दी म्यांमार। और एक जो इंपॉर्टेंट है वो अक्सर नाम आपको देखने को मिलता है, स्टेट काउंसलर की बात करते हैं तो वो है ऑंग सैन सू की। ये चार नाम इंपॉर्टेंट बने, जैसे कि कैपिटल नाइपी दो, करेंसी क्या, एंड प्राइम प्रेसिडेंट की बात करें विन मिंत है, और स्टेट चांसलर की बात करते हैं तो ऑंग सैन सुई की। नाम थोड़ा अलग है, ऐसे नहीं बर्तन बर्तन गिर जाते हैं तो आवाज जैसे साउंड आता है वैसे इनका है, तो वहां पर मुझे लगता है जब बर्तन बर्तन गिरते होंगे ना तो उसके बाद जो नाम पड़ता होगा उसी साउंड के फॉर्म में पड़ जाता होगा। इंटरेस्टिंग है, जो भी है, आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। बांग्लादेश की कैपिटल रही ढाका, करेंसी रही टका, प्राइम मिनिस्टर का नाम शेख हसीना है, मालदीव्स की कैपिटल माले है, करेंसी रुपया है। यहां के अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करता हूं तो यहां के प्रेसिडेंट का नाम है, यार स्किप कैसे हो गया, स्किप, ओके याद करो भाई, याद करो फटाफट से याद करो, यहां के प्रेसिडेंट का नाम क्या, मालदीव्स के, अभी इंडिया में विजिट पे तो आए थे, इब्राहिम मोहम्मद सोले, क्या बात है, याद आ गया, सातवें नंबर के ये प्रेसिडेंट है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू रही, करेंसी रुपी रही, पाकिस्तान को छोड़िए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ, हु इज वॉन दी 9th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2019। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 9th सीनियर नेशनल चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई। मैं आंसर का वेट कर रहा हूं सर, इसका वेन्यू तो रहा था हिसार में, ये तो सभी के क्लियर है, बट मेरे दोस्त मैं पूछ कुछ और रहा हूं, यहां पर मध्य प्रदेश हॉकी मध्य प्रदेश को हराकर ये जीता किसने है। सर आंसर टिक करिए, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने हॉकी मध्य प्रदेश को हराकर हिसार में 9वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2019 जीत ली है। अगला सवाल, किस देश के साथ भारत ने 4 एग्रीमेंट किए हैं, ये चारों एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट यहां पर आपका रहा है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने के लिए कहा गया है काउंटर टेररिज्म को लेकर, दूसरा यहां पर हाउसिंग और ह्यूमन सेटलमेंट के क्षेत्र में कॉपरेशन के लिए किया गया है, तीसरा यहां पर बिजनेस वीजास की बात की जाती है तो उनका जो प्रोसीजर है इशू का उसे और आसान करने के लिए यहां पर किया गया है, और कॉपरेशन यूथ मैटर्स की बात करते हैं तो यहां पर उनमें भी सहयोग करने के लिए यहां पर कह सकते हैं समझौता गया। टोटल मिलाकर 4 समझौते यहां पर रहे हैं ये मोरक्को के साथ। मोरक्को की बात करें, इसकी कैपिटल रही आपकी रबत, एंड करेंसी की बात करें यहां पर दिरहम चलती है, ठीक है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी यहां पर यूरो चलती है। गाम्बिया की कैपिटल रही बांजुल और करेंसी यहां मेरे दोस्त डलासी चलती है, ठीक है, ट्रिपल सी से ही याद करना और कोई रूल नहीं है यहां पर। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, और फ्रांस की कैपिटल रही पेरिस, करेंसी यूरो। और इमैनुअल मैक्रोन साहब की बात करेंगे, ही इज अ प्रेसिडेंट, एंड प्राइम मिनिस्टर की बात करें एडवर्ड फिलिप है। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर की बात करें, ये प्रेसिडेंट है आपके जर्मनी के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट, जो कि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज की न्यूज, किसने एक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब, एक तो ये इनॉग्रेशन रहा था राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब, और दूसरा यहां पर रहा था दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट साइपेड का उद्घाटन किया है। फिर दोबारा सुनिएगा, किसने एक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब,
और दूसरा यहां पर बात कर सकते हैं साइपेड का इनॉग्रेशन किया। साइपेड क्या है? दिल्ली पुलिस की एक साइबर यूनिट है। अब आंसर यहां पर अपना बनता है, देखिए राजनाथ सिंह जी का नाम कहीं दिख रहा है तो सर यहां पर ऑप्शन नंबर 5 पे दिख रहा है राजनाथ सिंह का नाम, जो कि गृह मंत्री या होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। राजनाथ सिंह की बात करें, लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, लखनऊ का जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है वो इनका निर्वाचन क्षेत्र है, यहां से ये लोकसभा सांसद है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश का बहुत बेहतर शहर है जहां पर कि हम भैया रहते हैं, नवाबों का शहर है और आपकी क्लास भी यहीं लखनऊ से चलती है, एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगा, ये सारी बातें सिर्फ ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। देखिए अब यहां से एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूज आज ऐसी हैं जिनको हम डिटेल में समझेंगे। अब सबसे पहली न्यूज है यहां पर जो एरो इंडिया 2019 है, जो एक एग्जीबिशन है उसका 12वां जो एडिशन है वो बेंगलोर में शुरू हुआ है। मुद्दा बड़ा गरमाया था ये एग्जैक्टली होता है। यहां पर हुआ क्या था कि एरो इंडिया के लिए बोला गया था कि उत्तर प्रदेश में इसे शिफ्ट किया जाए। अभी तक जितने भी एडिशन हुए हैं ये आपके बैंगलोर में ही हुए हैं, तो यहां पर बोला गया था कि भाई इसको शिफ्ट करके उत्तर प्रदेश में लाया जाए, फाइनली इसे कैंसिल किया गया, कहा गया कि ये बैंगलोर में ही होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च 12th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2019 एट दी येलाहान का एयरफोर्स स्टेशन इन बैंगलोर। सर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें, सबसे पहले हु हैज इनॉग्रेटेड, आंसर बनता है डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। दूसरा एडिशन कौन सा है, सर इसका 12th एडिशन है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर शहर कौन सा है, बैंगलोर है। एक जो स्टैटिक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है वो ये कि येलाहान का एयरफोर्स स्टेशन कहां पर है, तो हमें याद रखना है मेरे दोस्त ये बैंगलोर में है। एक्चुअल इवेंट क्या है वो याद रखना है, एरो इंडिया 2019 है। जितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो उतने पार्ट्स में न्यूज को ब्रेक करिए, उतने सवाल आपके दिमाग में बन जाएंगे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने बेंगलुरु के येलाहान का वायु स्टेशन में एरो इंडिया 2019 का 12वां संस्करण लॉन्च किया है। आई होप सो सभी के यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड कुछ बात है, एरो इंडिया की बात करें तो ये बीएनियल एयर शो है। सर बीएनियल का मतलब क्या होता है, तो देखिए ब्रैकेट में मैंने कुछ मेंशन किया है, एरो इंडिया एग्जीबिशन इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी 2 ईयर्स, 2 साल में ये एक बार होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे बीएनियल एयर शो। एविएशन एग्जीबिशन है, कहां पर होती है ये, बेंगलुरु में। फर्स्ट एडिशन आपका 1996 में हुआ था, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। टैगलाइन रही है 2019 की, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज मेंशन कर दिया था मैंने पहले ही यहां पर, जो इमेज मेंशन की थी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज इज अ टैगलाइन ऑफ एरो इंडिया 2019। इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि कह सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1996 से और यह 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। आई होप सो पहली न्यूज सभी के क्लियर होगी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से है और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं फर्स्ट वर्ड यूज किया गया, और मैं फिर कहता हूं जब कभी भी पहला शब्द यूज किया जाता है तो समझ लीजिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी चीज आपकी लाइफ में अगर पहली बार होती तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती ना, अरे सर क्या बात कर दी है सर, बिल्कुल हर चीज जो पहली बार होती है इंपॉर्टेंट होती है, तो मेरे दोस्त एग्जामिनर भी तो कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ में होने वाला और इसे मैं देने वाला हूं, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा। टेक्निकल जूम रखना, सबसे पहले 2 नाम याद रखने हैं, निकहत जारीन और मीना कुमारी देवी। ठीक है, निकहत जारीन एंड मीना कुमारी देवी विकम दी फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर्स टू विन गोल्ड मेडल एट दी स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट इन सोफिया बुल्गारिया। सर अपनी लैंग्वेज में समझाइए, देखो अब समझना, सबसे पहले स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट की बात करें तो ये कहां पर हुआ है, ये बुल्गारिया के सोफिया में हुआ, पहला पॉइंट बन गया। दूसरा इंपॉर्टेंट, यहां पर फर्स्ट इंडियन वो बॉक्सर कौन सी बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो 2 नाम हमें याद रखने हैं, सबसे पहले निकहत जारीन का नाम और दूसरा यहां पर मीना कुमारी देवी का नाम। निकहत जरीन और मीना कुमारी देवी बुल्गारिया के सोफिया में स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ और, किन्होंने गोल्ड मेडल जीता, किन्होंने यहां पर क्या जीता, थोड़ा चीजें बताऊंगा सिर्फ नॉलेज पर्पज से, एग्जाम के पर्पज से इतना नहीं घुसेंगे इसमें। सबसे पहले जारीन की बात करते हैं, इन्होंने जीता है 51 kg कैटेगरी में, और देवी की बात करते हैं, देवी मतलब समझ रहे होगे, अरे सर बिल्कुल देवी का मतलब समझ गए, मीना कुमारी देवी, तो इन्होंने जीता है 54 kg कैटेगरी में। ये तो पहले 2 पॉइंट है जो कि हम अभी स्टार्टिंग में हेडलाइन में डिस्कस कर चुके। इसके अलावा मंजू रानी ने यहां पर सिल्वर मेडल जीता है, इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बाकी ब्रॉन्ज मेडल को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, पी
भाषु मतारी जी की बात करें, नीरज की बात करें, लौव लीला बौर गोहिन, क्या नाम है यार, बड़े सोच सोच के रखा जाता है, इनके द्वारा कह सकते हैं कि यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। तो ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, इतने काम के नहीं है, हमारे काम की सारी चीजें बनती हैं, सिर्फ ये दो पॉइंट। आई होप सो दोनों ही क्लियर होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है ये दोनों किस स्टेट से है, मेरे को एक का तो स्टेट फाइंड आउट कर लिया मैंने, देवी जी का फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो देवी जी का भी मैं देख लूंगा एग्जैक्टली किस स्टेट से है ये। एमसीक्यू में मैंने एक का फॉर्म किया, दूसरे का दूसरी फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया है, बट इसका स्टेट आप भी कोशिश करिएगा, मिल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, नहीं मिलता तो मैं कोशिश करूंगा कि भैया किसी ना किसी तरीके से तो ये आंसर फाइंड आउट किया जाए कि देवी जी किस स्टेट से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक ऑबिचरी की यहां पर बात करेंगे, यहां पर नामवर सिंह की बात करें तो ये हमें छोड़कर चले गए। अब ये पॉलिटिशियन भी थे, ये कह सकते हैं तो बहुत सारे कामों में जुड़े हुए थे, अब ये एक नोटेड राइटर भी थे। अब क्या इनसे रिलेटेड चंद बातें हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो सबसे पहला पॉइंट बनता है वो ये है, नोटेड हिंदी राइटर प्रख्यात हिंदी लेखक नामवर सिंह हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 92। प्रख्यात हिंदी लेखक नामवर सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह 92 वर्ष के थे। तो मेरे दोस्त ये तो हमें छोड़कर चले गए, बट दिक्कत हद में एक दे गए कि हमें भैया याद रखिएगा, दुआओं में याद रखना। तो नामवर सिंह की बात करें ये क्या थे, एक राइटर थे, सिंपल। इसके अलावा चंद बातें वो देखेंगे। टेक्निकल टीम क्या बात है यार, आज तो आप मेरी बात पहले ही सुन लेते हो, समझने लगे मेरी भावनाओं को, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझ लिया करो रोज रोज तो बढ़िया रहेगा। आप समझना 1926 को इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, ये फर्स्ट चेयरमैन थे जेएनयू सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज के, इतना काम की चीज नहीं बनती, सिर्फ याद रखना स्टेट कौन सा बन गया, यहां से उत्तर प्रदेश बन गया। दूसरा, इन्होंने कुछ बुक लिखी थी जैसे कि कविता के नए प्रतिमान और इसके बाद छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, ये कुछ इनकी फेमस कह सकते हैं बुक्स रही हैं। अब एक एक नंबर में पूछा जा सकता है, यहां पर एक एक नंबर में यहां पर पूछा जा सकता है कि ये बुक्स एक इनके द्वारा लिखी गई थी, कविता के नए प्रतिमान और छायावाद और दूसरी परंपरा की खोज, तो ये लिखी गई थी नामवर सिंह के द्वारा। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से 1971 में सम्मानित किया गया था कविता के नए प्रतिमान के लिए। तो भैया इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि 1971 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, किस बुक के लिए, तो अपना आंसर यहां पर बनता है कविता। याद रखना भैया इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चल सकते हैं आप। और मेरे दोस्त सेशन पसंद आ रहे तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी मुस्कुराहट के साथ, जो आप इतनी शानदार जो मुस्कुराहट बनाते हैं ना, उसके साथ लिख दीजिए यस सर सारी चीजें क्लियर होती चल रही हैं। क्योंकि तो यार आप जानते हो ना, आपकी मुस्कुराहट से मेरा दिन बढ़ जाता है यार, और क्या जिंदगी में, सिर्फ ये चंद मुस्कुराहट है जिनको देखकर हम भी जी लेते हैं। तो जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर सारी चीजें क्लियर होती चल रही हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मार्क करना, एक रिलीजियस फेस्टिवल है जिसमें कि महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, महिलाओं का ही ये कह सकते हैं कि एक त्यौहार है। तिरुपंतपुरम विल होस्ट दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ वुमेन अटुकल पोंगला, पोंगाला 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 ओके पोंगाला पोंगाला तिरुवंतपुरम महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक या महिलाओं के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार अटुकल पोंगला की मेजबानी करेगा। बहुत ये कम से कम मैं बात करूं 10 दिन चलने वाला त्यौहार है, मैंने तो यहाँ पर मेंशन ये किया है कि ये होस्ट करेगा और ये शुरू हो चुका है। और इंपॉर्टेंट क्या है वो यहाँ पर याद रखना है, अटुकल पोंगला किस राज्य में तो त्यौहार है जो कि मनाया जा रहा है, तो अपना आंसर बनता है ये केरला, और केरला के भी तिरुवंतपुरम में इसे मनाया जा रहा है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शुमार हो चुका है, वो भी एक बार नहीं दो दो बार, तो भैया लाजमी बनता है इसके बारे में जाना। अटुकल पोंगला की बात करते हैं, 10 दिन का ये फेस्टिवल है, ये अटुकल टेम्पल कहां पर है, केरला के तिरुवंतपुरम में, वहां पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए एक नंबर में ये सवाल और बन गया, अटुकल टेंपल कहां पर है, ये मंदिर कहां पर, तो भैया राधे राधे करनी है तो अपना आंसर यहां पर बनता है यह केरला के तिरुवंतपुरम में है। द फेस्टिवल इज मार्क्ड एज द लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग ऑफ वुमेन बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो सिंपल शब्दों में अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार हो चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं कह सकते हैं एन नंबर्स में, यहां पर जो भी एन नंबर्स तो नहीं कहूंगा, लार्जेस्ट नंबर्स में यहां पर महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, तो उस वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार किया जा चुका है। अब देखिए एक बार तो यहां पर 1997 में किया गया था जब 1.5 मिलियन वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, इसके बाद 2009 की बात करते हैं तो 2009 में 2.5 मिलियन ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था, दो दो बार भैया इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार कर चुके हैं। तो मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहता है कि मेरे भाई, यहां पर तो अंधा भी बोलेगा भैया ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, एग्जामिनेशन में सवाल आएगा। इसको साबरीमाला ऑफ वुमेन के नाम से भी जानते हैं, इस फेस्टिवल का नाम है अटुकल पोंगला और इसे साबरीमाला ऑफ वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। मुझे लगता है यहां तक सभी बच्चों के अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब जरा समझना, टेंगड़ी सामने ले आओ, यहां पर बात की जा रही है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की। अब लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात यहां पर हम करते हैं तो समझना, मैं एक चीज बताता हूं, विनेश फोगाट का नाम सुना है आपने? यस सर हमने सुना है।
मैंने एक बार डिस्कस किया था कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए इनका नाम नामित किया है, इनका नाम नॉमिनेट किया है। टाइगर वुड्स से डायरेक्ट यार कंपटीशन था, तो समझ सकते टाइगर वुड्स कितनी बड़ी चीज है। अब उनसे कंपटीशन था, जीत नहीं पाई, बट एक उसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ इनका नाम कह सकते हैं कि नॉमिनेट किया गया। अब यहां पर मैं बहुत नाम डिस्कस करूंगा, बट लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो पहले बता देता हूं। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें, सबसे पहला नाम बनता है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया नोवाक जोकोविक को, टेक्निकली। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आज तो यहां से सुनना है बिल्कुल। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें, ये नोवाक जोकोविक को दिया गया है, जो कि कहां के हैं, सर्बिया के हैं, और ये टेनिस खेल से संबंधित है। सिर्फ यहां पर दो नाम मैं डिस्कस करने आ रहा हूं, दो से तीन नाम, पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड दिखाऊंगा, वो आपको खुद पढ़नी है। दूसरा नाम याद रखना है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, सिमोने बाइल्स को, जो कि जिमनास्टिक है यूएसए की। तीसरा अवार्ड कमबैक ऑफ द ईयर दिया गया है टाइगर वुड्स को, इस ही कैटेगरी में, यहां पर अलग अलग कैटेगरी रही हैं, इसी कैटेगरी में विनेश फोगाट की सीधे इन भाई से लड़ाई चल रही थी, और इन्होंने कह दिया कि जा यार, विनेश फोगाट ने कह दिया जा जी ले अपनी जिंदगी, तू रख ले अवार्ड, मुझे अवार्ड की जरूरत नहीं है। तो कमबैक ऑफ द ईयर कैटेगरी में टाइगर वुड्स को दिया गया, जो कि यूएसए के गोल्फ खेलते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है नोवाक जोकोविक को, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया सिमोने बाइल्स को, एंड कमबैक ऑफ द ईयर दिया गया टाइगर वुड्स को। मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। यहां पर एक इंडियन ग्रुप को भी दिया गया, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आते हैं एक एक करके सारी स्लाइड में आपको दिखा देता हूं। ये आप देख लीजिएगा, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी, मेंशन कर दिया कि हाँ एक बार आंखों के सामने से निकल जाए, एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, ठीक है। टीम ऑफ द ईयर दिया गया फ्रांस वर्ल्ड कप टीम को, सभी को पता है भैया वर्ल्ड कप विनर। इसके अलावा यहां पर ये वाला इंपॉर्टेंट बनता है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, टेक्निकल टीम जूम रखना। युवा, अ झारखंड बेस्ड एनजीओ विच वर्क्स फॉर गर्ल्स एम्पावरमेंट, वॉन द लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड। एक और कैटेगरी आ गई, लॉरेंस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड। लड़कियों के सशक्तिकरण से जुड़े झारखंड स्थित एनजीओ युवा को लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड पुरस्कार के लिए चुना गया। इससे पहले भारत की ओर से साल 2014 में मैजिक बस ने लॉरेंस पुरस्कार जीता था, बट अभी बात करते हैं 2019 में। तो 2019 में इंपॉर्टेंट मार्क करना, उस एनजीओ का नाम क्या है जो कि झारखंड बेस्ड है, जिसको लॉरेंस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मेरा आंसर यहां पर बनता है युवा। रट लीजिएगा, युवा इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। यहां तक मुझे लगता है कि सारी चीजें आपके बिल्कुल क्लियर होंगी। आज की न्यूज एक एक ऐसी है जो कि एग्जाम का सवाल बनाएगी, और एक नहीं, दो दो तीन तीन अपने पार्ट से सवाल बनाएगी। जैसे इस अवार्ड से यह भी पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द ईयर, तो हर तरीके से याद रखिएगा, कमबैक ऑफ द ईयर, किसने जीता, किस कंट्री से है, किस स्पोर्ट्स से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शुरू किया है। पहले एक ब्लैक बोर्ड था, अब यहां पर आया ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। इसमें कहा गया है कि क्लास 9 से लेकर 12वीं तक की बात करें, डिजिटल बोर्ड विल बी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12 इन स्कूल। यहां पर बात की गई है स्कूल के अंदर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो भी बोर्ड होता है उसको डिजिटल बोर्ड में यहां पर कन्वर्ट किया जाएगा। हायर इंस्टीट्यूशन में तो रहेगा ही, बट यहां पर स्पेशल बात की गई है जो भी स्कूलिंग टाइम पर 9 से लेकर 12 तक की क्लास होती है। और यहां पर टारगेट भी सेट किया है कि ऑल दीज क्लासेस विल हैव अ डिजिटल बोर्ड बाय 2022। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना। सबसे पहले तो ये है कि इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो आंसर बनता है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री का नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसके अलावा किस वर्ष तक कहा गया है कि इसके अंतर्गत सभी क्लासेस में डिजिटल बोर्ड को सेटअप किया जाएगा, तो आंसर बनता है सर 2022 तक। ये डेडलाइन पूछी जा सकती है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात हुई तो लाजमी है भैया प्रकाश जावड़ेकर साहब का नाम याद रखना, नहीं तो ये शादी के वो फूफा जी हैं जो कि बुरा मान जाएंगे। शादियों में होता क्या, फूफा जी बुरा मान जाते ना, तो वैसे ही यहां पर बात करते ये बुरा मान जाएंगे कि अम्मा सर आप हमारा नाम ही डिस्कस नहीं करते, मेरे को फोन आ जाएगा, इनका घर आएंगे, अम्मा यार ये क्या बात है, जब मेरी मिनिस्ट्री का नाम आता है तो मेरा नाम ही नहीं डिस्कस करते हो। तो मेरे दोस्त, इनकी खुशी के लिए हम इनका नाम यहां पर डिस्कस कर लेते। ये है प्रकाश जावड़ेकर साहब, ये ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। आई होप सो सभी के यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े डिटेल में समझने वाली है। यहां पर ये जाम की बात की है, जाम होता है उसकी बात यहां पर की जा रही है, बेसिकली अल्कोहल की बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू सर्वे कंडक्टेड बाय, मैं यहां पर दो से तीन चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं यहां पर भांग के बारे में भी बताऊंगा, कैनबिस जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा हीरोइन के बारे में भी बताएंगे, मतलब ड्रग की बात हो रही है, ठीक है। और यहां पर एग्जैक्टली बताएंगे कितने लोग कह सकते हैं कि इनसे जुड़ी समस्याओं से ग्रस्त हैं, इनसे जुड़ी जो बीमारियां उनसे, क्योंकि एक सर्वे है और ये सर्वे किया गया है गवर्नमेंट के ही द्वारा। अब एक डिपार्टमेंट की बात यहां पर कर लेते, एक सेंटर की बात कर, उसने ये कह सकते हैं सर्वे किया है क्या, वो समझना। टेक्निकली जूम रखना, अकॉर्डिंग टू सर्वे, जूम रखना, क्या बात है वाह। According to survey conducted by National Drug Department Treatment
अकॉर्डिंग टू सर्वे कंडक्टेड बाय नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, इंपॉर्टेंट मार्क करना सबसे पहले, तो नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें कहा गया 5.7 करोड़ पीपल इन द कंट्री सफर्ड फ्रॉम अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या बात, बहुत बढ़िया भाई। अल्कोहल, सर यहाँ पर मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा, मेरे आदत बन गई, बहुत बढ़िया, कुछ बुरा भी होता तो मेरे मुंह से निकलता बहुत बढ़िया, तो याद रखना अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करते हैं, इससे सफर्ड करने वाले टोटल नंबर पीपल की बात करते हैं 5.7 करोड़ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक सर्वे कह रहा जिसका नाम है, जो सर्वे कंडक्ट किया गया नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के द्वारा। नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 5.7 करोड़ लोग शराब से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं। सर तीन पैग बली है, क्या बात है यार, मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप चलाते रहे बैकग्राउंड में, फील आना चाहिए कि हाँ भैया कि हम लोग बिल्कुल इंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं। अब जरा समझना, एक एक पॉइंट को यहां पर समझेंगे। यहां पर बात की गई कैनबिस की, जिसको कि आप भांग के नाम से भी जानते हैं। यहां पर बोला गया है कि यहां पर टोटल कितने लोग डिपेंडेंट है, 72 लाख, जिसमें बोला गया कि मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, ये राज्य सबसे आगे चल रहे हैं। इसके बाद अगर हीरोइन की बात करते हैं, इज द मोस्ट अब्यूज्ड ऑपियोड, ऑपियोड मतलब होता है एक तरीके का ड्रग, की मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो ड्रग है वो यहां पर हीरोइन है, और 1.14% ऑफ इंडियंस की बात करें इसका इस्तेमाल करते हैं, और कहा गया कि इसमें भी सबसे आगे भैया अपना उत्तर प्रदेश ही चल रहा है, उत्तर प्रदेश बड़ा नाम कमा रहा है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और दिल्ली की बात करेंगे, यह हीरोइन के मामले में सबसे आगे है, और कैनबिस की बात करते हैं इसके मामले में यहां पर फिर दोबारा से उत्तर प्रदेश ही आगे बना हुआ है, और टोटल लोग जो कहीं ना कहीं इससे संबंधित बीमारियों से जुड़े हुए हैं वो 5.7 करोड़ है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखते तो यहां पर फिर दोबारा देखिए उत्तर प्रदेश ही आगे है, उत्तर प्रदेश यहां पर भी आ गया, उत्तर प्रदेश यहां पर भी आ गया, उत्तर प्रदेश यहां पर भी आ गया। यार अपना उत्तर प्रदेश मेरे दोस्त सुधर जाओ सबके सब, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर बात करते हैं, तो ये लिखा है सर्वे कंडक्टेड बिटवीन दिसंबर 2017 से लेकर अक्टूबर 2018 तक। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस नंबर को, 5.7 वाले को, ये वाला एग्जाम का सवाल बन सकता है और पूछा जा सकता है कौन सा स्टेट सबसे आगे है इसमें, तो उत्तर प्रदेश अपना आपको नाम याद रखते हुए चला, क्या बात है, स्माइली बोलते हो, स्माइली नहीं आती, सारे के सारे पैक के यहां पर फोटो बिल्कुल बनाते चले। टेक्निकल टीम आज अच्छे मूड में, हाँ मुझे लगता है इनको कुछ मिल गया आज, बड़े अच्छे मूड में, जिस दिन इनको कुछ नहीं मिलता उसी दिन ही गड़बड़ा जाते हैं, बट आज बड़े अच्छे मूड में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखिए पैक के बाद जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान साहब का नाम फोटो लेकर आए, मुस्कुराए, क्या बात है सर, आज तो आपने पैक वैक की बात कर दी, आज तो हमारी मुस्कुराहट चेहरे पे ही आएगी। अब समझना, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ HPCL LPG बोटलिंग प्लांट एट रायगढ़ इन उड़ीसा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के रायगढ़ में HPCL बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। टेक्निकली स्क्रीन को जूम रखे, अब देखिए सबसे पहला जो सवाल यहां पर बनेगा, तो नाराज हो गया लग रहा भाई, स्क्रीन को जूम कर दीजिए। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है HPCL LPG बॉटलिंग प्लांट का उड़ीसा के रायगढ़ में। टेक्निकली स्क्रीन को जूम कर दीजिए भाई, ओके फाइनली सुन लिए, चलो अब ठीक है, देखो नाराज हो जाते हैं ये लोग भी। पेट्रोलियम मिनिस्टर की बात करें, इनका नाम है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेशन किसका किया है, इनॉग्रेशन इन्होंने किया है HPCL LPG बोटलिंग प्लांट का। कहां पर किया सर, उड़ीसा में किया सर। उड़ीसा रिलेटेड फैक्ट फटाफट से बताइए, तब तक आप मुझे ये बताइए धर्मेंद्र प्रधान के पास इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री है और उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक। गणेशी लाल साहब की बात करते हैं, ही इज अ गवर्नर। उड़ीसा राज्य की बात करते हैं, इन्होंने अमा घरे LED स्कीम लॉन्च की है। इनकी ही बात करते हैं तो इन्होंने सुनेत्र स्कीम भी लॉन्च की है। इसी राज्य सरकार की बात करते तो इन्होंने एक कालिया स्कीम भी लॉन्च की है। जैसे अपने यहां पर PM किसान योजना लॉन्च की गई, मतलब अपने यहां पर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने PM किसान लॉन्च की, जिसमें कि फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, उसी तरीके से उड़ीसा राज्य ने कालिया स्कीम लॉन्च की है। इसके अलावा एक तेलंगाना राज्य का नाम भी सुना था, उन्होंने रायतु बंधु स्कीम लॉन्च की है। तो जितनी भी योजनाओं के मैं नाम ले रहा हूं, यहां पर कह सकते हैं कि वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। आई होप सो, मुझे लगता है सारी चीजें सभी के क्लियर होती चल रही होंगी। ओके, धर्मेंद्र प्रधान के पास पेट्रोलियम है, धर्मेंद्र प्रधान के पास इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, क्या बात, बहुत बढ़िया, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये सभी का क्लियर हो गया। पेट्रोलियम मंत्रालय क्लियर हो गया। राज्यसभा MP है ये, कहां से सर, आंसर आ रहा है मध्य प्रदेश से, बहुत बढ़िया। मैंने MCQ में भी फॉर्म कर दिया, वहां पर भी एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ICC ने यहां पर एक व्यक्ति को बैन किया है। जब न्यूज को पढ़ रहे थे तो मैंने कहा क्या बात है यार, ऐसा भी हो सकता है किसी पाकिस्तानी को कहा जाए कि किसी चीज में सम्मिलित होने के लिए और वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं शामिल होऊंगा। क्या कैप्टन की बात की जा रही है, सरफराज अहमद की।
इनको कांटेक्ट किया था इरफान अंसारी ने, और इरफान अंसारी के बारे में उन्होंने कंप्लेंट कर दी आईसीसी में और आईसीसी ने इन्हें बैन कर दिया। हो सकता है एग्जाम का पार्ट ना बने, बट फिर भी हमें याद रखना है कि अभी हाल ही में किस व्यक्ति को आईसीसी ने बैन किया है, तो अपना आंसर बनता है इरफान अंसारी को। क्यों किया है वो देख लेते हैं, टेक्निकली में जूम रखना, सिर्फ नॉलेज पर्पज से देखेंगे इसको। अगर आया एग्जाम में तो एक बार के टिक तो हो जाएगा। आईसीसी हैज बैन द यूएई बेस्ड कोच इरफान अंसारी फॉर 10 ईयर्स आफ्टर ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मेकिंग करप्ट अप्रोच टू पाकिस्तान कैप्टन सरफराज अहमद इन 2017 में पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को भ्रष्ट संपर्क बनाने के दोषी पाए जाने के बाद आईसीसी ने यूएई स्थित कोच इरफान अंसारी पर 10 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखना, इरफान अंसारी पर कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा? 10 वर्ष के लिए। और किन्होंने लगाया? आईसीसी ने लगाया है। नाम इंपॉर्टेंट बनता है, किस पर लगाया 10 वर्ष का प्रतिबंध? तो आंसर बनेगा इरफान अंसारी। इसके अलावा आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूएई बनता है, और यूएसए क्रिकेट की बात करेंगे वो इसका 105th मेंबर बना। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा आप। आई होप सो यहां तक भी सभी के सारी चीजें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, उसके अलावा देखेंगे बाकी क्या है। यह है, यहां पर मार्क किया गया है कि 7 आइलैंड को अंडमान और लक्षद्वीप में उनको आइडेंटिफाई किया गया सी प्लेन ऑपरेशन के लिए, समुद्री विमान के संचालन के लिए। यहां पर देखिए, समुद्री विमान में आपको दिखा देता हूं, इसके संचालन के लिए 7 आइलैंड को आइडेंटिफाई किया गया। अब इंपॉर्टेंट बनता है वो 7 आइलैंड कौन कौन से हैं। 7 आइलैंड इन अंडमान एंड लक्षद्वीप हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर सी प्लेन ऑपरेशन। अंडमान और लक्षद्वीप में 7 द्वीप समूह को समुद्री विमान के संचालन के लिए पहचाना गया। 4 आइलैंड की बात करते अंडमान में और 3 आइलैंड की बात करते लक्षद्वीप में, इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। अंडमान में 4 द्वीप और लक्षद्वीप में 3 की पहचान समुद्री विमान के संचालन के लिए की गई, जैसे स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, हुतवे एंड लॉन्ग आइलैंड की बात करें अंडमान में, एंड निकोबार आइलैंड, कवरत्ती, अगत्ती, मिनिकॉय की बात करें लक्षद्वीप में, इन सभी को आइडेंटिफाई किया गया। किस चीज के लिए? सी प्लेन ऑपरेशन के लिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यहां पर एग्जामिनर खेल सकता है, तो भैया इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना कोशिश करेगा, सिर्फ पढ़ने की, रटने की कोशिश मत करना। रटोगे तो स्किप होगा और रटोगे तो कंफ्यूजन होगा। समझने की कोशिश करना कि कहां पर 3 आइलैंड है इनको आइडेंटिफाई किया गया सी प्लेन के लिए, और बाकी के जो 4 आइलैंड है उनको आइडेंटिफाई किया गया सी प्लेन के लिए, तो कहां कहां पर है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना न्यूज को। यहीं पर अगर हम बात करें तो आपको ये इमेज दिखा दी है, आई होप सो इस इमेज को आप पढ़कर समझ पाए, बट इतने काम की नहीं, क्योंकि मैंने इसे वर्बली भी लैंग्वेज में भी फॉर्म कर दिया है। ये इन्होंने इमेज फॉर्म में दे दिया है, ये देख सकते हैं सी प्लेन ऑपरेशन कहां कहां पर कौन कौन से होंगे, तो मैंने अपनी लैंग्वेज में भी इसे मेंशन कर दिया। अपनी लैंग्वेज में बेहतर है ज्यादा समझना। यहीं पर सेशन को एंड अप करेंगे। मैंने आपको बोला था कि 22 तारीख के बाद से मैं फिर दोबारा से स्टेट और स्टेटिक फैक्ट को ऐड कर दूंगा। बैकएंड पे दोस्त बहुत काम चल रहा है, तो उसी में लगे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि आज मैंने आपके साथ वो न्यूज डिस्कस की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाइए जो एग्जाम ओरिएंटेड है। 50 पढ़ाने से 25 पढ़ाने से मतलब नहीं बनता। अगर आप बिल्कुल कचरा पढ़ाते, एकाध कभी कभी आ जाता है कि सर कभी कभी आप कचरा पढ़ा देते हैं, तो दोस्त मैं वो कचरा भी धीरे धीरे बिल्कुल हटा दूंगा, कि ऐसी न्यूज भी नहीं रखूंगा जिसपे कि मुझे लगता है 0.1% भी कोई लगे कि हाँ नहीं आ रही है, दिक्कत वाली है। तो बिल्कुल वो न्यूज पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड है। कोशिश करूंगा जल्द ही मैं कुछ कंसेप्चुअल भी आपके साथ ऐड करूं। बहुत सारी केस स्टडी रहती है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आते हैं तो उनको अक्सर हम स्किप कर देते हैं, तो उन्हें भी हो सकता है एक दिन मैं डिसाइड कर लूं सैटरडे या फ्राइडे, उस दिन इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी की हाँ चलो एक या दो आर्टिकल ही ले लें, उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया करेंगे। डिटेल से मेरा मतलब उतना पढ़ेंगे जितना कहीं ना कहीं एग्जाम का पार्ट बनेगा, और जो हमारे काम के लिए, जो कहीं ना कहीं नॉलेज के लिए है। अब जब फिर दोबारा समझ लीजिए, 22 तारीख को कल मैं आपसे मुलाकात करूंगा सुबह 11 बजे। हमेशा मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूं, और आज भी मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगा, कल भी नया लेकर आऊंगा, और बेहतरीन रहेगा जो भी रहेगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। ट्रस्ट कर सकते हो ना हम पर, करिए बिल्कुल, जो आपका ट्रस्ट बनाऊंगा उसे ब्रेक नहीं करेंगे, और कल मुलाकात करेंगे 11 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।